हेलो दोस्तों, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। हम खीर बनाने चल रहे हैं। ये चावल को हल्का सा देसी घी में भूज रहे हैं, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद रोक देते हैं। हाँ दोस्तों, ये चावल अब जाके भूज के ब्राउन हो गया है। अब इसको हम बिल्कुल निकाल लेते हैं और दूध और पानी मैंने खोलने के लिए रख दिया है थोड़ा सा। निकालने के बाद इसको 2 मिनट तक हम ठंडा करेंगे क्योंकि ये गर्म है। हाँ दोस्तों, चावल 5 मिनट तक हमने ठंडा कर लिया। इसको हल्का सा मशीन में तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे कि 2-3 टुकड़े हो जाएं ताकि खीर जल्दी से बन जाए। हाँ दोस्तों, अब मैंने इसको निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने एकदम से पीसा नहीं है, सिर्फ ये खड़ा खड़ा है। 3-4 टुकड़े हो गए हैं, ये पूरा मैंने निकाल लिया है अच्छी तरीके से। हाँ दोस्तों, ये दूध मेरा खौल रहा है। अब इसमें मैं चीनी डालूंगी, अब इसको मिलाऊंगी। इसमें मैं थोड़ा से किशमिश डाल रही हूँ और मसाला नहीं डाल रही क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ इलायची और किशमिश डालते हैं बस। हाँ दोस्तों, ये मेरा देखिए खूब खौल रहा है, दूध चीनी पानी सब मिला है इसमें। अब मैं चावल डाल रही हूँ। चावल डालने के बाद इसको मैं खूब अच्छे से पकाऊंगी। दस मिनट तक हमको पकाना है, बहुत जल्दी बन जाएगी क्योंकि चावल पहले से टूटा हुआ है। हाँ दोस्तों, अब धीमी आंच में हम इसको काफ़ी देर पकाए हैं। अब ये देखिए खीर बन गई है। अब इसमें हम ऊपर से इलायची के डालेंगे ताकि खुशबू इसकी रहे। अब इसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। हाँ दोस्तों, अब खीर ये बन के तैयार हो गई है। अब इसको खाइए और चखिए, बताइए कैसा लगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।